हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कुमार राजीव एंड यू आर वाचिंग द डिजिटल वर्ल्ड 3.0 यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं मेल आईडी को किस प्रकार से क्रिएट करेंगे एंड रिकवरी मेल और फोन नंबर को किस प्रकार से ऐड करेंगे ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो मेल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। देन ब्राउजर आपको ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है gmail.com gmail.com आपको प्रेस कर लेना है। देन इंटर प्रेस करेंगे तो मेरा ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद में कुछ इस प्रकार से फीचर शो करेगा। आपको यहाँ नीचे में शो करेगा यूज अनदर अकाउंट, तो आपको अनदर चूज कर लेना है। एंड आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं मेल और फोन नंबर, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिल करना है। नीचे में आएंगे तो नीचे में क्रिएट अकाउंट शो करेगा, वहाँ से आपको ओपन करना है। देन यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको चूज करने को मिलेगा। एक जो है फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए अगर करना चाहते हैं तो, फॉर माई चाइल्ड अगर बच्चे के लिए करना चाहते हैं तो, या यहाँ पे लास्ट में शो कर रहा है टू मैनेज माई बिजनेस, अगर बिजनेस के लिए अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें माई सेल्फ के लिए करना है तो माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ करना है। जेन्युइनली माई सेल्फ के लिए होता है, बिजनेस के लिए अगर करना हो तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम टाइप कर लेना है, अगर आधार है तो आधार के मुताबिक आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ एंड लास्ट नेम आपको डाल लेना है। यहाँ दोनों नेम फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है एंड आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे एंड यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर मेल फीमेल या अदर है तो वो भी चूज कर सकते हैं। एंटर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है। यहाँ पे गाइस थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है जो कि आपको मेल जो शो करता है वो आपका मेल जो है यहाँ पे आपको डालना है, जो जिस नाम से भी मेल बनाना चाहते हैं। नाम हमने डाल दिया उस वो मतलब राजीव कुमार, तो वहाँ उस नेम से ज़रूरी नहीं है कि उसी नेम से मेल आएगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं या जो अपने मुताबिक कोई नाम डालना चाहते हैं या कोई सिलेक्टेड नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लग रहा वो फिल कर लेंगे, लेकिन ऑलरेडी पहले से नहीं बना हुआ होना चाहिए, ऑलरेडी बना होगा तो यहाँ पे आपको नहीं लेगा। तो मैं यहाँ के आर राजीव डाल लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ इतना, देन नेक्स्ट प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अदर, यहाँ पे दूसरा मेल डालने के लिए बोल रहा है। एक्चुअली ऑलरेडी किसी का मेल बना हुआ है तो आपको यहाँ से नहीं लेगा, तो आपको कोई और मेल सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कुछ और फिल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ जो नंबर है, नंबर को मैं चेंज कर लेता हूँ। इस प्रकार से देख पा रहे हैं वो जो नंबर है वो उस अभी जो मैंने नंबर डाला इस नंबर से कोई भी मेल नहीं बना हुआ था, इसलिए ले लिया। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल कर लेना है, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं तो आप या तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, अगर किसी कस्टमर का अगर यूज कर रहे हैं, किसी कस्टमर का क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ उनका मोबाइल नंबर ही डाल दें ताकि उनको ओपन करने में सुविधा होगा, या आप अपना कर रहे हैं तो यहाँ से आप कोई भी कस्टम पासवर्ड चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई पासवर्ड चूज कर लेता हूँ एंड कन्फर्म में भी आपको डाल लेना है एंड यहाँ पे शो करना है, तो यहाँ से आप शो कर सकते हैं जो आपने जो टाइप किया वो यहाँ से शो करेगा। अभी जो है डॉट डॉट जो शो कर रहा है, अगर शो करवाना है पासवर्ड तो यहाँ से टिक करेंगे एंड आपको नेक्स्ट करना है पासवर्ड डालने के बाद। यहाँ से नेक्स्ट कर चुके हैं, अब आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपको जो आपके पास मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। तो इस प्रकार से आप मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे एंड आपको नेक्स्ट करना है एंड यहाँ पे उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा जो 6 अंक का होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो मैं ओटीपी फिल कर लिया, देन आपको फिर से नेक्स्ट प्रेस करना है। यहाँ आप नीचे में देखेंगे आपको टाइम भी शो करेगा, टाइमिंग चल रहा है तो इतना सेकंड के अंदर में ही आपको यहाँ पे फिल करना होगा। देन नेक्स्ट प्रेस करेंगे
एंड आपको यहाँ रिकवरी मेल एड्रेस, अगर कोई रिकवरी मेल एड्रेस डालना चाहते हैं, मेल आईडी डालना चाहते हैं, तो यहाँ से डाल सकते हैं। जो अगर मान गए कि इसका पासवर्ड या मोबाइल नंबर गुम हो जाता है, तो उस मेल आईडी के जरिए आप रिकवरी कर सकते हैं। सो आप यहाँ से मेल आईडी डाल लेंगे, जो भी रिकवरी मेल आईडी डालना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे डाल लेंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट करना है। सॉरी, मैं @gmail.com नहीं डाला था, तो इस प्रकार से डाल लेना है, देन नेक्स्ट प्रेस करना है। एंड यहाँ पे आपको रिकवरी मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर रख सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर दूसरा डालेंगे तो फिर से एक उस नंबर पे भी एक OTP जाएगा, तो अगर दूसरा डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, या इसे रखना चाहते हैं तो इसे भी रख सकते हैं, या इसे हटा देना चाहते हैं तो इसे हटा सकते हैं। तो मैं स्किप कर लेता हूँ। अगर कोई मोबाइल नंबर डालना हो तो आप डाल सकते हैं रिकवरी के लिए। एंड यहाँ से मेरा मेल आईडी क्रिएट हो चुका है, नेक्स्ट करते हैं। एंड आई एग्री प्रेस करेंगे। एंड यहाँ पे मेरा मेल लॉगिन हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से आपको मेल क्रिएट करना है, ताकि आप रिकवरी मेल आईडी डालने से आपको सुविधा है कि अगर भविष्य में कोई दिक्कत आ रही है तो आप आराम से इसे रिकवरी कर सकते हैं दूसरे मेल के जरिए। तो इस प्रकार से मेरा मेल क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पे मेल देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मेल, यहाँ आपका मेल आईडी हो गया। अगर इसे आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। एंड अगर कस्टमर का है तो लॉग आउट कर सकते हैं, सिंग आउट। एंड प्रिंट करने का सबसे आसान सुविधा है, यहाँ पे आप यूज अदर अकाउंट पे प्रेस करेंगे। एंड यहाँ पे आप मेल आईडी को पेस्ट कर लेंगे, जो आपने कॉपी किया था, अभी जो आपने क्रिएट किया था उसे आप पेस्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ से जो है आप उनको प्रिंट करके दे सकते हैं, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, कुछ इस प्रकार से साइट ओपन होगा। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, लोडिंग पे हो, तो आपको इस प्रकार से कर लेना है। यहाँ पे शो कर रहा है, एंड यहाँ पे मेल आईडी है, यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं डालना है। एंड इस प्रकार से आप किसी कस्टमर या अदरवाइज किसी को आप प्रिंट करके दे सकते हैं। यहाँ आपको डिफॉल्ट है, यहाँ सेव एज है, तो यहाँ पे आपको प्रिंटर चूज कर लेना है, जो भी प्रिंटर आपके पास हो। जैसे मेरे पास L805 है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। एंड यहाँ पे मेरा कलर प्रिंटर है, तो ब्लैक एंड व्हाइट या कलर आप चूज कर लेंगे, देन प्रिंट करेंगे, चुटकियों में आपका प्रिंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप मेल को क्रिएट कर सकते हैं।